हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर तो वेब कॉस्ट लिमिटेड लेकर आ गया है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें इसी के साथ हमारा एस एस सी मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए CIZ की मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है लिंक आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें आपको ए टू जेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी आप एस एस सी जेई क्लियर कर लोगे सी आई जेड प्लस गारंटी लेता है इस बात की अगर आपने कोर्स को पूरी अच्छे तरीके से अपना लिया और इसमें आपको टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं जैसा कि आप देख सकते हो फुल न्यूट्रिशन पैक एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और यहाँ पर सिविल और फुल टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में आपको 100 से ऊपर टेस्ट मिल जाएंगे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको और आपको चेकआउट पेज पे प्रोमो कोड मिल जाएगा वो प्रोमो कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके अभी जेई फुल न्यूट्रिशन पैक चेक कीजिए तो वेबकॉ लिमिटेड में निकल चुकी हैं इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज तो वेबकॉस्ट लिमिटेड रिक्वायर्स इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियर सिविल सीनियर इंजीनियर सिविल ऑन रेगुलर बेसिस द रिक्वेड क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस एज एंड पे पैकेज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर तो सीधा चलते हैं हम सबसे पहले इंजीनियर सिविल पर तो इंजीनियर सिविल को पे स्केल मिल रहा है फोर्टी थाउजेंड से लेकर वन लैख फोर्टी थाउजेंड का बहुत ही अच्छा पे स्केल यहाँ पर यह माना जाता है और इसके बाद मैक्मम एज लिमिट एक जनवरी दो हज़ार इक्कीस तक आपकी तीस साल उम्र होनी चाहिए मैक्सीम इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस एक जनवरी 2021 तक आपका दो साल का होना चाहिए इन वन और मोर फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस प्लानिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एटसेक्ट्रा फॉर वाटर रिसोर्सिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो वैकेंसीज की बात कर लें दो वैकेंसीज हैं और ये रिक्वायर्ड टू पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया तो इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है क्वालिफ़िकेशन बी टेक सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी ही चाहिए और प्रेफ्रेंस यहाँ पर दी जाएगी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एम टेक या एम ई e. की डिग्री है इसके बाद चलते हैं इंजीनियर ट्रेनी सिविल पर और इनको यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनी सिविल को फोर्टी एट थाउजेंड यहाँ पर पे स्केल मिलेगा और जिसमें फोर्टी थाउजेंड बेसिक और एट थाउजेंड हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर यानी कि एच आपको मिलेगा और थर्टी ईयर्स ही इसकी एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम और प्रेफरेंस जो है वो एक्सपीरियंसड कैंडिडेट्स को दी जाएगी लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है आप फिल ज़रूर कर सकते हो इसके बाद तीन वैकेंसीज हैं इसकी और बीटेक सिविल ही रिक्वायर्ड है इसके बाद सीधा चलते हैं इंजीनियर सिविल पे तो यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड से लेके कर वन लैख फोर्टी थाउजेंड का पे स्केल यहाँ पर रखा गया है वही थर्टी इयर्स एज लिमिट और दो साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है और दो वैकेंसीज आई हैं और इसमें से यहाँ पर आपको पोस्टिंग लोकेशन केरला रीजन में ही मिल सकती है इसके बाद बी टेक और बी ई सिविल यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्रेफरेंस यहाँ पर भी एम ई और एम टेक को दी जा सकती है इसके बाद हम चलते हैं इंजीनियर ट्रेनी सिविल पे और अड़तालीस हज़ार की यहाँ पर पे स्केल आपको मिलेगा थर्टी इयर्स एज लिमिट और यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल सकती है और दो वैकेंसीज हैं केरला रीजन में ही यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है और बी टेक और बी रिक्वायर्ड है तो सीनियर इंजीनियर पे चलें तो सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर पचास हज़ार से लेके कर एक लाख साठ हज़ार का यहाँ पर पे स्केल रखा गया है बहुत ही यहाँ पर बम्पर पे स्केल यहाँ पर है और 40 साल एज लिमिट है पाँच साल का असिस्टेंट इंजीनियर या फिर मिनिमम तीन साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट एग्जिव इंजीनियर और इक्वलेंट आपका होना ही चाहिए और दो आई हैं और केरला रीजन में ही आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है और बी या बी -E आपकी मिनिमम सिक्सटी मार्क्स से होनी चाहिए प्रेफरेंस जो है वो एम और एम कैंडिडेट्स -E को मिल सकती है इसके बाद हम चलते हैं सीधा यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो मल्टीपल एप्लीकेंट्स एप्लीकेशंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशनज़ आपका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एक इंसान एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है वन थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट को बिलोंग करते हो और फाइव हंड्रेड यहाँ पर रखी गई है अगर आप एस सी या पी डब्ल्यू या फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को भी छूट दी गई है पाँच सौ की तो नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो वेरी कर सकती हैं और एज रिलैक्सेशन जो है वो एस सी और ओ को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही मिलेगा आपको पता ही है अदरवाइज आप हमारी पुरानी वीडियो जो है वो देख सकते हो तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना सीवी सेंड कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा में तो ये प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा क्या है ये आपको एक पीडीएफ मिलेगी फॉर्मेट की सीवी के फॉर्मेट की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी और ये आपको अनवेलप जो है वो अपनी पोस्ट जो है उसके हिसाब से अगर आपने इंजीनियर ट्रेनी सिविल बनना है तो आपको सीवी में ये मेंशन करना होगा कि आपने कौन सा यहाँ पर आप पोस्ट फिल कर रहे हो और अपना सीवी इस पते पर आपको पोस्ट कर देना है और 21 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के 21 दिन के अंदर अंदर यानी कि 5 फरवरी 2021 तक आपको आपका ये पोस्ट हो जाना चाहिए पर वहाँ पर डिलीवर हो जाना चाहिए बाकी डिटेल्स के लिए आपको इस वेबसाइट पर यानी कि डब्ल्यू पर जाना होगा यहाँ पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी इसी के साथ हमारा एस एस जेई फुल न्यूट्रिशन पैक मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए सी आई जेड प्लस की मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है लिंक आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें आपको ए टू जेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी आप एस एस सी जेई क्लियर कर लोगे ये सी आई जेड प्लस गारंटी लेता है इस बात की अगर आपने कोर्स को पूरी अच्छे तरीके से अपना लिया और इसमें आपको टॉप क्वालिटी के लेक्चर मिलेंगे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं जैसा कि आप देख सकते हो फुल न्यूट्रिशन पैक एस एस सी जे इलेक्ट्रिकल मकैनिकल और यहाँ पर सिविल और फुल टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में आपको सौ से ऊपर टेस्ट मिल जाएंगे टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको और आपको चेकआउट पेज पे प्रोमो कोड मिल जाएगा वो प्रोमो कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके अभी एस एस सी जेई फुल न्यूट्रिशन पैक चेक कीजिए